गाइस न जाने कितने दिन बाद आज फिर से रेस होने जा रही है, वो भी कोई नॉर्मल इंसान या फिर हल्की रेस नहीं है गाइस, ये टाइटन या फिर गॉड लेवल की रेस है। गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, इस बार कोई स्किपिटी से रेस नहीं हो रही, इस बार ये दोनों ही हमारे दोस्त हैं, एक है टाइटन बाइक मैन और एक है टाइटन स्पीकर मैन। असल में इन दोनों में बहस हो गई थी कि कौन कितना फास्ट है, तो आप सभी तो जानते हैं गाइस बाइक कितनी सुपर फास्ट होती है, लेकिन स्पीकर भी कम नहीं होता। यहाँ पर देखिए अपना स्पीकर मैन साउंड की ताकत से भाग रहा है, मुझे नहीं लग रहा भाई कि स्पीकर मैन साउंड की ताकत से भाग रहा है। वैसे तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो गाइस बाइक मैन जीतेगा, क्योंकि देखिए स्पीकर मैन बेशक यहाँ पे जा रहा है पर स्पीड कम है। ओ भाई क्या स्पीड में निकला है बाइक मैन, मुझे भी लग रहा है बाइक मैन जीतेगा, मेरे को भी लगता है बाइक मैन जीतेगा गाइस। हाँ ये तो है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर स्पीकर मैन ने सबको सरप्राइज कर दिया। अबे हाँ, इन द एंड स्पीकर मैन ने बाजी मार ली भाई साहब, एंड में इसने अपने साउंड की ताकत दिखाई और बाइक मैन को एकदम कछुए की चाल चलवा दी भाई, इतनी तेजी से भागा एक खरगोश बन के। और गाइस जीत में मिलता है इसको दुनिया का सबसे बेस्ट एलिमेंटल बॉक्स, जिसमें टीवी मैन, स्पीकर मैन, ट्रैफिक लाइट मैन, इस तरह के खतरनाक गॉड जैसे बंदों की पावर छुपी है। और यहां पर देखिए भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, वैसे बाइक मैन जीतता तब भी खुशी होती, स्पीकर मैन जीता तब भी हो रही है। बात तो तूने सही कही, दोनों ही हमारे दोस्त हैं। और यहां पर भाई स्पीकर मैन तो अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन बन गया। ओ माय गॉड गाइस, मजा ही आ गया देख करके। खैर दोस्तों मैं तो ये चाहता हूं बाइक मैन को ज्यादा बुरा लगाओ, हल्के मजे आ गए। ओ भाई कांग्रेचुलेशन स्पीकर मैन, और भाई बाइक मैन तूने भी अच्छा किया। ये बात तो है गाइस, दोनों ने टक्कर का मौका दिया था, बस एंड में स्पीकर मैन जीत गया। अब ऐसा कुछ नहीं है, ओए मैं ही सबसे सुपीरियर हूं और अवेंजर्स तुम लोग बाइक मैन को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे सब पता है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे भाई कांग्रेचुलेशन यार स्पीकर मैन, तू तो जीत गया। अब चुप करो कीड़े बाइक मैन, मैंने तुझसे बोला था ना अब मरने के लिए तैयार हो जा, जो हारेगा वो मरेगा मैंने बोला था, मैंने सोचा तू मजाक कर रहा है। हां भाई हारने वाले को मारना जरूरी थोड़ी है। ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है तू भाई स्पीकर मैन, तूने तो यहां पर बाइक मैन को गिरा दिया। अबे फ्रैंकलिन ये अपग्रेडेड स्पीकर मैन पागल हो गया क्या, जीतने के बाद भी लोगों को मार रहा है। ओ माय गॉड मैंने सोचा था बाइक मैन को गुस्सा आएगा, लेकिन बाइक मैन तो कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। गाइस ये तो घमंडी हो गया यार, स्पीकर मैन तू इतना बुरा कब से हो गया भाई, बाइक मैन तो ठीक तो है। गाइस बाइक मैन कुछ बोल नहीं रहा है। अबे ओए फ्रैंकलिन ज्यादा मत बोल, अबे रुक इसकी बेटी इसको बुलाता हूं। क्या? अरे इसकी बेटी इसकी बेटी, अरे शुक्रिया अपग्रेडेड स्पीकर मैन, तूने हमें अपॉर्चुनिटी दी, ये एवेंजर्स मतलब ये देखा ये बाइक मैन से प्यार करते हैं, बाकी के सुपर हीरो से प्यार करते हैं, तुझसे नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये लोग चिढ़ते हैं मेरी पावर से, इसकी ब्रिटिश तुम ही जानते हो मेरी पावर का राज, ये तो बकवास इंसान है। बकवास बंद कर भाई, तू पागल हो गया है क्या स्पीकर मैन? गाइस मुझे तो लग रहा है इन इसकी बीज ने मेरे भाई स्पीकर मैन का माइंड कंट्रोल कर लिया है, वो इतना बुरा नहीं हो सकता। अबे बकवास तू बंद कर फ्रैंकलिन, समझा? अबे फ्रैंकलिन से दूर रह, अपग्रेड स्पीकर मैन ने शायद अपना असली रंग दिखा दिया है। नहीं टोनी ऐसा नहीं हो सकता। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, हमें अपग्रेड स्पीकर मैन को रोकना होगा। अरे इसकी बड़ी एवेंजर्स को भी मारा, बिल्कुल जोई को इनको भी मारता हूं। अरे बाप रे स्पीकर मैन को हल्क ने कितनी बार अपने हाथों से बर्गर खिलाया और अब ये स्पीकर मैन हल्क को मार रहा है, हल्क ने कभी सोचा नहीं था ये सब क्या हो रहा है। बाइक मैन मेरे भाई उठ जा। ओह नो बाइक मैन के साथ कितनी नाइंसाफी हुई, अभी भी देखो तुम लोगों को उसके लिए बुरा लग रहा है, तो भाई लगेगा ना तू यहां पर चीटिंग कर रहा है अपग्रेडेड स्पीकर मैन, मेरी बात तो मान। ओह माय गॉड ये कैसे हो सकता है, स्पाइडरमैन मेरे भाई टोनी कोई तोड़ जाओ यार, गाइस सब के सब यहां पे बेहोश हो गए इस बेकार से स्पीकर मैन की वजह से। फ्रैंकलिन तू कहां पर है? अरे टोनी इन लोगों ने हमारे भाई बाइक मैन को मार दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता बाइक मैन, यार ये नहीं हो सकता फ्रैंकलिन, अब हमें कौन बचाएगा? टोनी हम लोगों को अपने आप को खुद बचाना होगा, ये लोग बहुत ही बुरे हैं, हमें इनको इनके किए की सजा देनी पड़ेगी। और इसकी बड़ी देखो और इनको कोई बचाने नहीं आने वाला। फ्रैंकलिन हम तो गए, कोई बचाओ प्लीज हेल्प, मैं आ गया हूं मेरे दोस्तों, मेरा नाम है ट्रक मैन। एक मिनट फ्रैंकलिन वो कौन है? ओ भाई साहब मैंने कार मैन देखा है, बाइक मैन देखा है, बट ट्रक मैन मैंने सोचा नहीं था भाई साहब। अबे वाह फ्रैंकलिन लगता है हमको बचाना है। दोस्तों मेरी बात सुनो मेरे साथ चलो। अरे बाप रे हमको तो लेके चल। ओ नो यहां पर मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे जल्दी भागना होगा। ये क्या कर रहा है तू ट्रक मैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये क्या कर रहा है तू भाई, यहां पर मेरे एवेंजर्स को लेके चल, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने कोशिश की थी एवेंजर्स को लेने की लेकिन मेरे पास समय कम था। नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे यहां पर क्यों बचाया जाता है, एवेंजर्स की क्या गलती है? मेरे भाई फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैं यहां पर तो मामूली सा ट्रक मैन हूं, मैं कहां उस अपग्रेड स्पीकर मैन का मुकाबला कर पाऊंगा। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बचाया बस मेरे से इतना हो पाया, लेकिन यार अब हम अवेंजर्स को कैसे बचाएंगे? मेरे पास उसका एक बढ़िया प्लान है। क्या सच में? तो बताना, उसके लिए हम लोगों को टाइटन ट्रकमैन बनना पड़ेगा। क्या
इतना बड़ा ट्रक होता है क्या? मैंने तो तेरे जितना ही बड़ा ट्रक देखा है। तो चिंता मत कर, उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे ट्रक्स को कंबाइन करना होगा और मैं अपनी सुपर पावर से तुझे टाइटन ट्रकमैन जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुझे एक मिनी ट्रकमैन बनना होगा। क्या मिनी ट्रकमैन? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है तू? ओ भाई साहब, इसने तो मेरे को सच में एक मिनी ट्रकमैन बना दिया। भाई साहब, ये छोटा सा ट्रक दे दिया मेरे को, ये तो मॉन्स्टर ट्रक टाइप लग रहा है मेरे को गाइस, देखिए। खैर, काफी फ्लेक्सिबल है गाइस, इसके टायर इधर से उधर हो पा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा है यार ये लिटरली में। लेकिन इसकी पावर्स क्या है वो तुझे खुद पता चल जाएंगी मेरे भाई। ऑलराइट दोस्तों, मैं फिलहाल यहां पर देखिए पावर चेक कर रहा था और मुझे पता चला कि मैं एक छोटा सा ट्रक बन सकता हूं और इस ट्रक में एक सुपर बूस्टर है। गाइस देखिए, सामने मेरा भाई बाइक मैन। अरे भैया कोई बचा, अरे हमका कोई बचा, और इसके बड़े दम मारोगे। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ भाई साहब, यहाँ पर एक गैस स्टेशन पे बहुत ज्यादा स्किबिडीज ने कुछ लोगों पकड़ रखा है। अरे प्लीज हमको कोई बचा लो, अब तो कोई सुपर हीरो नहीं बचा भी बचाने वाला। अरे चिंता मत करो गाइस, मैं आ गया हूँ तुमको बचाने। हे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक छोटा सा ही लेकिन बहुत ही खतरनाक ट्रक मैन हूँ, समझे? अच्छा बेटा, तू कर क्या सकता है? अबे सुन मेरी बात, मिनी अपग्रेड स्पीकर मैन, मैं यहाँ पर तेरी पूरी आर्मी की बैंड बजा दूंगा अगर तूने इंसानों को नहीं छोड़ा। अच्छा एक काम कर मिनी ट्रक मैन, अगर तेरे को सच में ह्यूमंस को बचाना है तो यहाँ पर तेरे को रेस करनी होगी। किससे? तुझसे? नहीं 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 नहीं, मुझसे रेस नहीं करनी होगी। तो इससे? नहीं नहीं, तू किससे करनी होगी? इस वाले से। व्हाट? इतने से स्किबिडी से? हां भैया हां, मेरे से रेस करनी होगी। अगर तेरे को ह्यूमंस को बचाना है तो आ जा, रेस कर ले। बिल्कुल, और कोई चीटिंग नहीं चलेगी रेस में, चीटिंग करोगे तो यहां पर हार जाएगा फ्रैंकलिन। तो रेस के लिए तुम लोगों को फिनिश लाइन पे पहुंचना होगा, जो भी फिनिश लाइन पे पहुंचा वो विनर। हार गया तू फ्रैंकलिन तो ये इंसान भी मरेंगे और तू भी मरेगा, और जीत गया तो ह्यूमंस को अपने साथ ले जाना। वाह गाइस, इससे बढ़िया क्या ही होगा। मैं यहां पर अपने प्यारे ह्यूमंस को बचाने के लिए अपने मिनी ट्रक की पूरी जान लगा दूंगा। गाइस अगर मुझे टाइटन ट्रकमैन बनना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। ऑलराइट, मैं तैयार हूं। ऑलराइट दोस्तों, अब देखिए मैं वापस से छोटा सा ट्रक बन चुका हूं और यहां पर भाई मैं तो पूरी रेड से भागूंगा। अरे इसके बड़े मैं भी भागूंगा। ओ भाई साहब, यहां पर देखिए वो कितना स्लो है। ओ हेलो, तू तो काफी स्लो है भाई। अबे इसके बड़े ले, तुझसे आगे निकल गया। गाइस वो बहुत स्लो है, मैं उसको आराम से हरा दूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अरे अरे बाप रे, थोड़ा सा स्लिपरी हो गया मैं, कोई बात नहीं है, मेरे को सीधे रोड पे जाना है। ओ हेलो, रोड से चलना है। गाइस चीटिंग कर रहा है भाई, तो रोड से क्यों नहीं चल रहा है? कोई नहीं दोस्तों, मैं तो वैसे भी उसको पीछे छोड़ के आगे आ गया। अबे इसके बड़े वो तो बहुत तेजी में आगे जा रहा है, मेरे को चीटिंग करनी पड़ेगी। अगर चीटिंग नहीं की तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं अपने आप को जायंट बना लेता हूं। इसके बड़े ओ भाई साहब, ये क्या, ये परछाई किसकी है? मेरी है। इसके बड़े ये क्या, ये ले इसके बड़े। नहीं भाई साहब, इसने चीटिंग की गाइस। ये लोग बोल रहे थे कि चीटिंग नहीं करनी है। वो तेरे को नहीं करनी है, हम कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, अगर बेटा तू चीटिंग करेगा तो मैं भी करूंगा, समझा? नहीं इसके बड़े तेरे बस की नहीं है चीटिंग करना, फिनिश लाइन तक मैं पहुंचूंगा। गाइस बहुत हो गया, मेरे पास अब आखिरी चॉइस है। अगर मुझे ह्यूमंस को बचाना है और खुद को टाइटन ट्रकमैन बनाना है तो इस स्किबिडी को पीछे छोड़ना होगा। अब मैं यहां पर सुपर बूस्टर इस्तेमाल करने वाला हूं अपने इस मिनी ट्रक का। 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब क्या सुपर बूस्टर यूज किया? अरे नहीं इसके बड़े ये चीटिंग करता है, सुपर बूस्टर यूज करता है। कोई चीटिंग नहीं है, ये तो बस मेरे इस खतरनाक ट्रक का फीचर है। लेकिन तूने चीटिंग की। चीटिंग तो तूने भी की, अपना साइज बढ़ाया था। गाइस फाइनली मैं यहां पर जीत गया। हे सारे के सारे इसके बड़े, अब चुपचाप भागो यहां से और इन प्यारे ह्यूमंस को छोड़ दो। और उसके बड़े हम इनको नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इन ह्यूमंस की इसमें क्या गलती है? ओ इसके बड़े तूने चीटिंग की है। अरे हां इसने चीटिंग की है, इसने सुपर बूस्टर यूज किया, मैंने देखा। ओ भाई अपग्रेडेड मिनी स्पीकर मैन, ऐसा कुछ नहीं है, समझा? सबसे पहले तेरा जो ये स्किबिडी टॉय मॉन्स्टर है, तुम सबने देखा होगा ये पड़ा हुआ था, इसने चीटिंग की। और ऐसा कुछ नहीं इसके बड़े। अरे हां इसके बड़े मैंने तो बस यहां पर अपना साइज बढ़ाया था, इसने तो बूस्टर यूज किया, ये चीटर है। गाइस ये लोग कितने बुरे। अबे निकल यहां से इसके बड़े हम ह्यूमंस को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोलो ना कि तुम लोगों का इरादा था ही नहीं ह्यूमंस को छोड़ने का। अरे मैया बचाओ, प्लीज हमको बचा लो, हम मर जाएंगे। अरे बापला हमको बचा, अरे बेटा बचा लो हमको। गाइस मैं इसके बड़े इसको छोड़ूंगा नहीं। काश मैं यहां पर मिनी ट्रकमैन की जगह जायंट ट्रकमैन होता तो इनकी बैंड बजाता। गाइस उसके लिए मुझे एक बड़ा ट्रक चाहिए, शायद मैं यहां पर उस बड़े से ट्रक को अपने हेड पर अटैच कर लूं, शायद मैं जायंट ट्रकमैन बन जाऊं। हां यही करते हैं। गाइस ये तो एक मिलिट्री ट्रक है भाई, ये इधर क्या कर रहा है? गाइस एक काम करता हूं, यहां पर ना इस मिलिट्री ट्रक को अपने हेड पर अटैच कर लेता हूं, क्या पता मैं यहां पर जायंट ट्रकमैन बन जाऊं। चलो दोस्तों यहां पर ना मैं अपनी सारी ट्रक की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी पर इस बड़े से ट्रक को अपने हेड पर अटैच करूंगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूं मैं यहां पर सच में जायंट वाला ट्रक में बन जाऊं और इसकी बड़ी से उन प्यारे ह्यूमंस को बचा लूं। उसके लिए शायद मेरे को इस ट्रक के पास खड़ा होना होगा, इतना बहुत है। ऑलराइट दोस्तों यहां पर हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वाह यहां पर कुछ तो होने लग रहा है मेरे हिसाब से। गाइस अब ये पक्का ट्रक मेरी बॉडी पे जाएगा।
गाइस लुक एट मी, मैं सिक्स हेडेड जायंट ट्रक मैन बन गया। गाइस इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता है मेरे पास ना यहाँ ऊपर अल्ट्रा सुपर ट्रक स्पीड आ गई है और साथ साथ में मेरे पास अल्ट्रा सुपर ट्रक लेजर भी आ चुकी है। आप सोच रहे हो ये क्या होता है, दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सुपर ट्रक पंच, मेरी पावर भाई साहब ट्रक जितनी होगी, आप तो जानते हैं भाई ट्रक में कितनी पावर होती है, कितने हैवी हैवी सामान को ऐसे उठा लेता है ट्रक और ले जाता है इधर से उधर। और उसके बड़े और मार दिया, और ये कौन है बॉस को बताओ, खतरा आ गया, और ट्रक मैन से सब कुछ बचा। फाइनली हमने जितने भी स्किप ब्रिज थे उनको भगा दिया है, कोई तो नहीं रह गया। अरे वाह शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। अला बाप ले, और शुक्रिया अंकल जी आपने हमारी जान बचाई। अरे वाह बेटा, थैंक यू सो मच। अरे भैया हम तुमसे बहुत खुश हुए, इसलिए बदले में तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट देना चाहते हो, लेकिन क्या? ये लीजिए अपने पीछे देखिए। ओह माय गॉड, ये तो एक गोल्डन ट्रक है भाई साहब, ये तो फ्यूचरिस्टिक मैकेनिकल मिलिट्री ट्रक है। गाइस इसको तो अपने बॉस के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है भाई इसको अपने हेड पर अटैच करना। कितना ज्यादा हैवी है भाई, वो अलग ही दिख रहा है गाइस मेरे हेड पे। अगर ये अटैच हो गया ना और इसके जैसे चार पांच ट्रक और मिल गए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह फ्रैंकलिन, तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया बच्चे। अरे हाँ भाई ट्रक मैन, लेकिन मेरे को फिलहाल यहाँ पर और भी बड़ा होना है अगर अवेंजर्स को बचाना है तो क्या मैं इस मैकेनिकल ट्रक को यूज कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुझे एकदम टाइटन लेवल का ट्रक मैन बनाने में। गाइस अब आप देखने वाले हैं मुझे और बड़ा ट्रक मैन बनते हुए। 1 2 3 ओह माय गॉड, अभी मेरे हेड पे टोटल 15 ट्रक्स हैं। मैं तो चार पांच सोच रहा था भाई 15 ट्रक, और जिसमें इतनी सारी मिसाइल्स और साथ में गोलियां रखी हैं भाई साहब, बहुत हाई लेवल का। ये मिलिट्री मैकेनिकल ट्रक्स हैं। गाइस मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत पावर का नजरिया दिखाऊं, चलो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मेरे पास अल्ट्रा सुपर स्पीड पहले से थी, लेकिन अब मेरे पास और भी खतरनाक ट्रक एक्सप्लोजन, ट्रक सुपर पंच। एक मिनट गाइस, मैं भागते भागते स्टॉक मेंशन आ चुका हूं। अरे यार हम क्या करें, ओडिन किसम लगता है फ्रैंकलिन हमें छोड़ के चला गया। हल्क को उम्मीद है फ्रैंकलिन बचाने आएगा। अबे कोई तुमको बचाने नहीं आएगा समझे, अवेंजर्स अभी बोलता हूं गुलामी हासिल कर लो मेरी, वरना मारे जाओगे। गाइस मेरे पास एक आईडिया है, मैं अपने सुपर अटैक पावर से यहां पर जितने भी बंदे हैं सबको ट्रक बना देता हूं। लेट्स गो, मैंने इस अपग्रेड स्पीकर मैन की आर्मी को ट्रक में बदल दिया। नहीं ये क्या कर दिया, लेकिन गाइस मैं इसका क्या करूं यार, इसको कैसे हराऊं समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन बच्चे। अरे ये तो प्रोजेक्टर मैन है। प्रोजेक्टर मैन भाई तू तो यहाँ पर दुनिया में नहीं था, तू कब आया? मेरे भाई मुझे जैसे ही पता चला धरती पर हमला हुआ है मैं वापस आ गया, मुझे पता चला स्पीकर मैन ने कैसे फोन मैन को बाइक मैन को सबको मार दिया। बिल्कुल सही कहा, इसलिए ले मैं तेरे लिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े ट्रक प्रोजेक्ट कर दिया हूं। क्या ये सारे ट्रक तूने प्रोजेक्ट किए हैं? बिल्कुल, इनको जल्दी अपने हेड पर अटैच कर। लेट्स गो गाइस, अब मेरे हेड पे हजारों बड़े बड़े मिलिट्री खतरनाक ट्रक्स अटैच हो चुके हैं। वाह मैं सच में एक खतरनाक जायंट नहीं भाई टाइटन लेवल का ट्रक मैन बन चुका हूं। और गाइस ये ट्रक से कोई नॉर्मल नहीं है, इसमें सुपर आर्मरी से लेकर सुपर खतरनाक गैसेस भरी हुई हैं। कहने का मतलब इसमें ऑयल्स हैं और इसमें और भी ज्यादा रिसोर्सेस हैं जो इस अपग्रेड स्पीकर मैन की बैंड में जा सकते हैं, और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा गाइस अब देखिए मेरा सुपर फायर अटैक जो कि एक बुलेट से निकल के आता है, लेकिन गाइस ये जो बुलेट्स है ना वो ट्रक्स हैं असल में। और नहीं ये कैसी पावर है गाइस, ये जितने भी ट्रक है ना इनके टैंकर में पीछे ऑयल भरा हुआ है, मतलब ये जैसे ही स्पीकर मैन को हिट कर रहे हैं इसको ब्लास्ट हो रहा है बहुत खतरनाक वाला। और इस चक्कर में हमने यहाँ पर अपग्रेडेड स्पीकर मैन की बैंड बजा दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, मैं वापस आऊंगा तुझसे बदला लूंगा। अरे वाह फ्रैंकलिन कमाल कर दिया, मैं बच्चे कमाल कर दिया। अरे हल्क को तो पहले यकीन था हमारा फ्रैंकलिन आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही कही। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।